हे हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र एलएलबी 3 ईयर सीटी 2021 आज उसका एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा है कि एलएलबी 3 ईयर्स का कैपराउंड रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाला है और आगे आने वाला जितना भी प्रोसेस है सबका ऑफिशियली डेट लिखा हुआ है। और एलएलबी 3 ईयर्स का एक नोटिफिकेशन आया था, आप देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ। देखिये, 17 नवम्बर जो आज का डेट है एलएलबी 5 कैप शेड्यूल, इनका लिखा था कि आज से ही आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। और आप देख सकते हो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिख किया गया, इनका रजिस्ट्रेशन चालू भी हो गया। तो आपका भी जो भी रजिस्ट्रेशन डेट लिखा है वो ऑफिशियली है, उसी डेट को आपका कैपराउंड रजिस्ट्रेशन चालू होगा। तो जो भी डेट बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें सब कुछ बताने वाला हूं। पीडीएफ के बारे में आप देख सकते हो, मैं पीडीएफ को पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूं उसको, वो जितना भी पीडीएफ का डिटेल है सब बताने वाला, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक और भी पीडीएफ आया था इससे पहले जिसमें लिखा था 29 नवंबर को आपका कैपराउंड रजिस्ट्रेशन डेट है, उसको आप भूल जाइएगा क्योंकि ये नया नोटिफिकेशन आ गया, अपडेट है, इसको जानते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, इसको .pdf नाम, अगर आप लैपटॉप से या फिर पीसी से यूज कर रहे हो ना, इसको .pdf नाम से सेव करोगे ना तो ही ये मतलब डाउनलोड होगा, नहीं तो और कोई एक्सटेंशन में डाउनलोड होएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ओपन भी नहीं होगा। मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूं और मैं पुराने वाले वीडियो में आपको बताया था। आप देख सकते हो यहाँ पे टेंटेटिव कैप डेट कैप शेड्यूल लिखा है, पर ये टेंटेटिव नहीं है, ऑफिशियली है, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, आपको ऑफिशियली प्रूफ दिखा देता हूँ। एलएलबी 5 ईयर्स पे जाता हूँ और एलएलबी 5 ईयर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इनका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया और इसका ऑफिशियल पीडीएफ जारी करता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैं डाउनलोड नहीं करूंगा इसको, यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे भी आप जूम नहीं होता, यहाँ पे टेंटेटिव कैप शेड्यूल लिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे और नीचे और आता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट आप 9वें नंबर दे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर और आज इनका चालू होगा। इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इनका चालू होगा। तो आपको जो भी ये लिखा है ना इसको आप ऑफिशियली समझ सकते हो, टेंटेटिव डेट मत समझिए, इसको ऑफिशियली समझ सकते हो। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप टेंटेटिव शेड्यूल एलएलबी 3 ईयर्स का, और जस्ट नीचे आ जाए, ये सब आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम डेट हुआ था वो 4 से 5 अक्टूबर को हुआ था, फिर उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर, मतलब रिजल्ट आपका जो डिक्लेयर हुआ था 29 अक्टूबर को हुआ था। डेट ऑफ शेयरिंग स्कोर है जिसमें आप एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ कैप्चर डाल के आपका पर्टिकुलर स्कोर कार्ड था और इसमें फोटो डिटेल सब कुछ था, वो आपका कभी डिटेल 2 नवंबर को मतलब जारी हुआ था। फिर कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो कॉलेज वाला रजिस्टर करेगा सीटी को, वो 28 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में करेगा। फिर उसके बाद से ये आपका चीज नहीं है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। 10वां पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको और भी जूम कर देता हूँ। देखिए, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप महाराष्ट्र और आउटसाइड महाराष्ट्र एनआरआई कैंडिडेट और सबका कैंडिडेट का नाम दिया, कैंडिडेट अलोंग विद द ऑप्शन ऑफ कॉलेज वो 25 नवंबर दिया, 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में होने वाला है। और पुराना वाले में था सिर्फ 29 नवंबर लिखा था, उसके बाद से ये 25 नवंबर लिखा हुआ है। और इसको ही आप ऑफिशियली समझिए क्योंकि अब मैं ऑफिशियली आपको प्रूफ भी दिखा दिया, एलएलबी 5 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर लिखा था और उनका चालू भी होगा। आपका 25 नवंबर लिखा है तो 25 नवंबर को ही चालू हो जाएगा। देखिए, ई सिक्योरिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। ई सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मतलब ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो लिखा है 25 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे ना तो जो ऑनलाइन एफसी सेंटर वाले बैठे हैं, फैसिलिटेटेड सेंटर मेंबर बैठे हैं, उनके पास आपका फॉर्म चला जाएगा और आपका सब कुछ ठीक रहा तो वो लोग वेरीफाई कर देंगे, और उनको कुछ गलत दिखता है तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे और लिख के भेजेंगे कि इस वजह से आपका रिजेक्शन हुआ है, ये ठीक करो, फिर से सबमिट करो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम वेरीफाई कर देंगे। फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ना, कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हो कि भाई कमेंट माफ करिएगा, वहां पे जाके पूछ सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके भी टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फ्रेंड्स, इसके वजह से बोल रहा हूं। और यहां पे देख सकते हो डिस्प्ले द अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा, वो 16 दिसंबर को जारी होगा, 16 और सीकिंग द ग्रेवियंस ऑनलाइन मतलब कोई उसको शिकायत है उसको तो 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में वो मेरिट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, वो आपको 27 दिसंबर को जारी होगा फ्रेंड्स, 5 बजे आपको अलॉटमेंट राउंड, क्या आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 30 दिसंबर को अलॉट होगा कॉलेज। उसके बाद कैंडिडेट रिपोर्टेड टू द कॉलेज एंड सीकिंग द एडमिशन, कॉलेज मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके पास उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है और उसके एडमिशन लेना है, वो 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक होने वाला है, एक्सक्लूडिंग मतलब हॉलीडे छोड़ के आप फ्रेंड्स, ये एक चीज याद रखिए। फिर कॉलेज वाला ना एक पीडीएफ जारी करेगा जिसमें बताया जाएगा कि मैंने इतने कैंडिडेट को ले लिया, इतना
इतना सीट बाकी हुआ है, इतना सीट बाकी है, वो पीडीएफ जारी होगा 6 दिसंबर को। फिर उसके बाद से एक सीटी पीडीएफ जारी करेगा, एक ही पीडीएफ जारी करेगा जिसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र का सीट वैकेंट है, कितना सीट बाकी है वो जारी होगा, वो 7 जनवरी को जारी होगा फ्रेंड्स। फिर से आपका कैप राउंड रजिस्ट्रेशन 2 होगा, कैप राउंड का जो 2 होता है ना वो आपका चालू है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड सीटी क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर कैप राउंड 2, कैप राउंड 2 आपका चालू होगा वो 8 जनवरी से, आपका 8 जनवरी 2022 से 13 जनवरी 2022 तक होने वाला है, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाला है। फिर से ईसीक्यूटी आ गया, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन आ गया, फिर वो भी 9 जनवरी से आपका 15 जनवरी तक होने वाला है। फिर उसके पास अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट जारी होगा, वो 18 जनवरी तक होने वाला है, कैप राउंड 2 की बात कर रहा हूं। अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत है आपको, कोई मान चलो वो लोग टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं, तो उसके अगर कोई शिकायत है तो आप 19 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में कर सकते हो। फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, वो 25 जनवरी को जारी होगा। फिर उसके बाद से अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2 वो आपका 31 जनवरी को होगा, कैप राउंड 2 का जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 31 जनवरी 2022 5 बजे जारी होगा। कैंडिडेट रिपोर्टेड टू द कॉलेज एंड सीकिंग द एडमिशन ऑफ कैप राउंड 2, आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करोगे, एडमिशन लोगे, वो 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में होने वाला है, और अगर नहीं लिए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। फिर उसके पास वही कॉलेज वाला फिर से पीडीएफ जारी करेगा जिसमें कितने लोगों को ले लिया, कितना सीट बाकी है, वो फिर सिटी वाला जारी करेगा, मतलब कितना ऑल ओवर महाराष्ट्र का। फिर उसके पास यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल चालू, कैंडिडेट फिल द ऑनलाइन ऑप्शन कॉलेज चॉइस फॉर इंस्टीट्यूट लेवल चालू, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो इंस्टीट्यूट, वो 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में होने वाला है फ्रेंड। उसके पास फिर से वही मेरिट लिस्ट में बेसिकली आ ही जाए, इंस्टीट्यूट लेवल है तो ऑलमोस्ट लोगों का जो भी छूटे बच्चे रहेंगे ना, जैसे कैप राउंड 2 के जितने भी छूटे रहेंगे ना बच्चे, तो वो लोग इंस्टीट्यूट लेवल पे अप्लाई करेंगे, वो लोगों का मिल भी जाएगा। उसके पास और कोई मेरे को इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, तो इसके वजह से वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इधर ही रखता हूँ। आई होप कोई वीडियो बहुत पसंद आया होगा, थैंक यू। और आपका कैप राउंड रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहा है, 25 नवंबर से, या एक चीज याद है 25 नवंबर से, ये ऑफिशियली ये होगा, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, यार अंगूठा लगवा लो यार, 25 नवंबर से चालू है, क्योंकि हम ऑफिशियली दिखा दिया LLB 5 years का लिखा हुआ है, क्योंकि अब इससे भी चेंज करने का 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितना दिन टाइम बाकी है, अब कोई चेंजेस नहीं होगा आपका, 25 नवंबर लास्ट है, फिक्स एंड फाइनल, याद रखिए। आई होप कोई वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू।